हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद साजिल में आप लोग को फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा जो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अपना लाइफ टाइम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। पहला नंबर का जो स्टॉक्स है ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कमेंस इन बिजनेस इन 1976। रेलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी डाइवर्सिफाइड progressively since 1985, it has generated engineering and construction PSU specializing large and technological complex infrastructure। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मार्केट है 5309 करोड़ रुपीज़ है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 56 रुपीज़, जिसने हाई लगाया था 62 रुपीज़ और लो लगाया था 32, और इसका स्टॉक पी चल रहा है 7 रुपीज़। ये बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है आप देख सकते हैं 4.44% का पैसा है। आरओसी ठीक ठाक है, आरओई भी ठीक ठाक है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। दोस्तों, इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते थे। प्रोस है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.07 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, ये कौन से ये प्रोस है। कंपनी सस्पेक्टेड टू ग्रुप क्वार्टर। ठीक है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 33%, अपनी कमाई का 33% पे आउट करता है। और कौन से इसका टैक्स रेट सेम्स लो। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11% लास्ट 3 ईयर्स। आरओई कम है। अर्निंग्स इंक्लूडेड आधार इनकम 350 करोड़। ये अर्निंग्स जो है आधार अर्निंग्स भी इधर इंक्लूडेड है। तो चलिए इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका जो 2020 में इसने प्रॉफिट जनरेट किया था 485 करोड़, 2021 में 390 करोड़, 2022 में 590 करोड़, और ट्रेलिंग 3 मंथ 690 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 73% का शेयर है, एफ आई एस के पास 1.96%, डी आई एस के पास 1%, गवर्नमेंट के पास 0.26% और पब्लिक के पास लगभग 23% का होल्डिंग्स है। तो चलिए फटाफट दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा स्टॉक्स है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। यह एक सीमेंट कंपनी आप देख सकते हैं, 93 से ये काम कर रहा है। एक लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 1,14,026 करोड़ रुपीज़ है, जिसका प्राइस चल रहा है 574 रुपीज़। ए बी पी टू में क्या लगाया था 594 रुपीज़, लो लगाया था 274 रुपीज़, जिसका स्टॉक P62 है, काफ़ी हाई है। और बुक वैल्यू है यह 129, जिस बुक वैल्यू से ये 5 टाइम्स ऊपर ट्रेड करा है। डिविडेंड यील्ड है 1%। ठीक है, और इसका आर ओ सी देखिए 22%, और ठीक ठाक है। आर ओ ई है 11%, तो कम है फिर भी चल जाएगा। और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। इसका जो प्रोसेस कौन से, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ठीक है, कंपनी हैज मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 70%, अपने कमाई का 70% डिविडेंड पे आउट के रूप में प्रोवाइड करता है। इसका कौन से देख लीजिए, क्या कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.59% ओवर फर्स्ट 5 ईयर्स। सेल्स ग्रोथ बहुत पोर है, कंपनी हैज ए लो रिटर्न इक्विटी, इक्विटी आर ओ ई बहुत कम है, और प्रोमोटर का 100% होल्डिंग प्लेस में रखा हुआ है। तो चलिए इसका प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2020 में ये 3,107 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2021 में 3,711 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स चल रहा है इसका, ये चल रहा है 2,204 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, अब दस दस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 63% का होल्डिंग है, एफ आई एस के पास 11%, डी आई एस के पास 16%, गवर्नमेंट के पास 0.26% और पब्लिक के पास 9% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है, आप भी अपना होल्डिंग बना सकते हैं। आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा खासा करेगा, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, इसमें सीमेंट की सख्त ज़रूरत होगा आगे में, क्योंकि इसमें बहुत रिक्वायर्ड होगा आपका कंस्ट्रक्शन लेवल में। ठीक है, तो चलिए अगला स्टॉक्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला जो स्टॉक्स है ये टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। ये कंपनी पी वी सी एच डी पी ई एस डब्ल्यू आर ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इसका कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 2,500 टन पर एनम। और इसका जो मार्केट कैप है 172 करोड़ रुपीज़ है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, और जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 58 रुपीज़, और इसका बुक वैल्यू है 85 रुपीज़। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका हाई लगाया था 101 और लो लगाया था 48, अभी लो के आसपास चल रहा है, और इसका कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। इसका आर ओ सी देखिए 10%, जो कि कम है। आर ओ ई 6% है, जो कि काफ़ी कम है, और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रोसेस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.69 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है,
वही बुक वैल्यू का बात है, ये जो बुक वैल्यू से काफ़ी लो में ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 68% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। इसका CAGR काफ़ी अच्छा है, 68%। डिविडेंड डेज से इम्प्रूव फ्रॉम 38 to 29। ठीक है, आज से कौन देख लेते हैं। द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इज नॉट पेइंग डिविडेंड। प्रॉफिट तो करता है लेकिन डिविडेंड पेयर नहीं करता है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.5% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ROE बहुत कम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी प्रॉफिट देख लेते हैं। 2020 में ये 4 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2021 में 11 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2022 में ये 14 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ 6 करोड़ चल रहा है। अभी दोस्तों इसका होल्डिंग्स पैटर्न देख लेते हैं। विपो मोटर के पास 44% का होल्डिंग्स है, FIS के पास 1%, DII ने कोई भी खरीदारी नहीं किया है, पब्लिक के पास 54% का होल्डिंग्स है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये मेरा काफ़ी फेवरेट स्टॉक है, ये इंडियन रेलवे को फाइनेंस करता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इधर। और इसका फंडामेंटल देख लीजिए, इसका मार्केट कैप 36,461 करोड़ रुपीज़ है। अभी का जो प्राइस चल रहा है 28 के आसपास चल रहा है, और जो हाई लगाया था 28, आज से के दिन हाई लगाया था। ये स्टॉक भी ये 5 और स्टॉक बुक वैल्यू है 33, तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और डिविडेंड 5% का सबका डिविडेंड यील्ड है, और ROCE 5% और ROE 15% सब ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.84 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड ऑफ 5%। डिविडेंड पेआउट ऐसा करता है, CAGR भी 45% और इसका हेल्दी डिविडेंड पे 20% है। ठीक है, और इसका कॉन्स देख लीजिए। इसका कौन सा, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ROE कम है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये कौन सा है। चलिए इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट देख लेते हैं। ये 2021 में 4,416 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2022 में 6,090 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 6,462 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये प्रोमोटर के पास 86.36% का होल्डिंग्स है। 1% FIS के पास है, 3.39% DIS के पास है, और पब्लिक के पास 9% के आसपास है। तो देखिए एक काफ़ी गजब का प्रोमोटर का होल्डिंग है। होल्डिंग घटा देगा प्रोमोटर, तब ये मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगा और शेयर प्राइस अपने आप बढ़ता जाएगा। ये बहुत ही जल्दी 200-300 क्रॉस करने वाला है, तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है ये अवंती फीड्स लिमिटेड है। ये अवंती फीड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी श्रिम फीड, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट टू द फार्मर एंड कैटर्स टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल श्रिम कस्टमर्स। ठीक है, तो ये श्रिम फीड के ऊपर काम करता है, जिसका मार्केट कैप 5,798 करोड़ रुपीज़। और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 426 रुपीज़, जिसने 52 ख्याल आया था 639 रुपीज़ का, और इसका स्टॉक भी 22, और इसका बुक वैल्यू है आपका 142 रुपीज़। लगभग बुक वैल्यू से 2.5 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड 1.47%, ROCE 17% और ROE 11% सब कम है। फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। तो चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो प्रोस है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27%। अपनी कमाई का 27% ये डिविडेंड के रूप में पे आउट करता है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 22.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स इसका सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और इसका होल्डिंग्स कौन से, इसका प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 0.4%। तो 0.4% लगभग ये डिक्रीज क्या है, ये कौन है। तो चलिए इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्टली ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट के बात करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। ये 2020 में इसका जो प्रॉफिट हुआ है आप देख सकते हैं 386 करोड़ रुपीज़ का, और 2021 में 397 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 में ये 245 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट चल रहा है, ये 276 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो देखिए प्रॉफिट तो काफ़ी हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये और भी प्रॉफिट ग्रोथ करेगा और इसका मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अभी 5,000-6,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास 43.28% का होल्डिंग्स है, और FIS के पास 14% का होल्डिंग्स है, DIS के पास 8.62% का होल्डिंग्स है,
गवर्नमेंट के पास 2.72% का होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास 31.33% का होल्डिंग्स है। तो आने वाले टाइम में अपना होल्डिंग भी थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक्स है गुजरात नवर्धमा वैली फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में GNVFC कहा जाता है। तो ये एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, आप देख सकते हैं। और इसका जो मार्केट कैप अभी चल रहा है, ये चल रहा है आपका 8837 करोड़ रुपीज़, जिसका करंट प्राइस है 569 रुपीज़। और ये 52 एक हाई लगाया था 912 रुपीज़ का, जो ये 52 हाई से काफ़ी गिर चुका है। और इसका स्टॉक भी 4 है और इसका बुक वैल्यू है आप देख सकते हैं 546 रुपीज़। तो ये बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, आप इसको कंसिडर आसानी से कर सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड 1.76% है और इसका ROC और ROE जो है ये काफ़ी गजब का है। ROCE है 33%, ROE है 24% और जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो इसमें आप स्टेक्स होल्डिंग्स अपना बना सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छा कंपनी मैंने जो लगता है। तो चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रोस है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई भी लोन कर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम्स इट्स बुक बिलो, तो बुक बिलो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी सस्पेक्टेड टू गुड क्वार्टर, ठीक है। तो गुड क्वार्टर देने का अभी आशा रखते हैं, देगा ही देगा। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42% CAGR के साथ ये बढ़ रहा है लास्ट 5 ईयर्स के। तो 42% CAGR काफ़ी मायने रखता है दोस्तों, मतलब आप लोगों का 1,40,000 के हिसाब से बढ़ रहा है ये 42% के हिसाब से, ठीक है। और इसका डिविडेंड डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 54 डेज टू 26 डेज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस और कॉन्स कोई भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा बात है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। हम नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था 499 करोड़, 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 689 करोड़ रुपीज़, और 2022 में ये प्रॉफिट जनरेट किया है 1704 करोड़ रुपीज़ का। अभी जो तो दोस्तों इसका जो प्रमोटर होल्डिंग्स है ये 41% है और FIS के पास 22% है, DIS के पास 5% है और पब्लिक के पास 31% है। तो प्रमोटर के पास भी होल्डिंग जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है और काफ़ी सारा सामान FIS ने उठा रखा है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, आप भी अपना होल्डिंग्स इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो स्टॉक्स है ये कोवई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड है। ये हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका न्यू मेडिकल कॉलेज भी एक ओपन किया हुआ है, मेडिकल कॉलेज इन कोयम्बटूर है, ठीक है। तो चलिए इसका अभी फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो फंडामेंटल आप देख सकते हैं 1899 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है और इसका अभी ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है आपका 1743 रुपीज़, इसका करंट प्राइस चल रहा है। और ये 52 वीक हाई लगाया था 1925 रुपीज़ और 1299 रुपीज़ का लो लगाया था, जिसका स्टॉक्स भी चल रहा है आपका 19 रुपीज़। और इसका बुक वैल्यू 600 है, लगभग 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। और डिविडेंड 0.17% है और ROCE 16% जो ठीक ठाक है और ROE 18% जो ठीक है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो दोस्तों इसके प्रोस कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, कोई भी प्रोस नहीं है इसमें अभी भी, ठीक है ना। तो इसके कॉन्स यही है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11%, सेल्स ग्रोथ काफ़ी पुअर है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी एक कॉन्स है, देख लीजिए। तो अभी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। 2020 में ये प्रॉफिट जनरेट किया था ओनली 95 करोड़ रुपीज़, 2021 में 78 करोड़ रुपीज़, 2022 में ये 104 करोड़ रुपीज़ और अभी ट्रेडिंग 12 मंथ का 99 करोड़ रुपीज़ चल रहा है। तो अपना हिस्सा थोड़ा बहुत इसमें लगा के आप सोच सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 10,000-12,000 करोड़ रुपीज़ का भी मार्केट कैप बन जाता है तो आपका पैसा 5 गुना आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं।
तो होल्डिंग्स प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 55.76% है, FIS के पास 2.1% है, DIS के पास लगभग 1.92% है और पब्लिक के पास 4% है। अपना स्टॉक्स थोड़ा बहुत बना लीजिएगा, चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक्स है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये एक गैस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपका नोएडा के आसपास, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुर, गुरुग्राम, मेरठ, शामिल, कानपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, हमीरपुर, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है इसका भी। दोस्तों इसका फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर है। करंट प्राइस है 412 रुपीज़, जिसने 320 रुपीज़ का लो लगाया था और हाई लगाया था 515 रुपीज़ का। स्टॉक P90 चल रहा है और बुक वैल्यू चल रहा है 106%, 3x 4x बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.33%, ROCE 26%, ROE 19% और फेस वैल्यू 2 रुपीज़। ROCE और ROE काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ प्रॉस है, कॉन्स कोई भी नहीं है, ठीक है। प्रॉस है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पेआउट 23.99%। ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे। 2020 में ये 1400 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2021 में ये 1331 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2022 में ये 1766 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट इसका 2015 करोड़ रुपीज़ चल रहा है। आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न और काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दे सकते हैं और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा ही करता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रमोटर के पास है 45% का स्टेक्स, FIS के पास है 20%, DIS के पास है 20%, गवर्नमेंट के पास है 5%, पब्लिक के पास है 8%। तो पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स इसमें नहीं है, क्योंकि पब्लिक अच्छा स्टॉक से पीछे भागता नहीं है, सिर्फ पेनी स्टॉक्स इधर उधर के शेयर में बढ़ता है। जो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स होता है उसमें होल्डिंग्स पब्लिक का कम ही रहता है, तो आप अपना होल्डिंग्स थोड़ा बहुत इसमें बना के चलिए, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक्स है दोस्तों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है। मुथूट फाइनेंस इसे NBFC एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग गोल्ड लोन्स। द कंपनी प्रेडोमिनेंटली ऑपरेट्स इन साउथर्न इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में इसका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। और बात करें तो फंडामेंटल के ऊपर, तो फंडामेंटल इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। फंडामेंटल में ये 43,482 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 1083। ये हाई लगाया था 1665 का और लो लगाया था 950। अभी माने तो ये लो के आसपास चल रहा है, जिसका पी चल रहा है 12 रुपीज़ पकड़ सकते। बुक वैल्यू है 479, तो बुक वैल्यू से ये 2.5x ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.85% और ROCE है 14%, ROE है 23%। ROE ठीक ठाक है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रोस यही है कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.4% CAGR ओवर लास्ट फाइव ईयर्स का CAGR देखिए 27% के ऊपर है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 26% का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 20%, अपनी कमाई का 20% लोगों को डिविडेंड के रूप में बांट देता है। तो चलिए इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका प्रॉफिट है, 2021 में प्रॉफिट जनरेट किया था आपका लगभग 3722 करोड़ रुपीज़ का। मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट जनरेट किया था 3954 करोड़ रुपीज़ का। अभी जो ट्रेडिंग 12 मंथ चल रहा है इसका 3658 करोड़ रुपीज़ का, और भी एक क्वार्टर मार्च क्वार्टर बाकी है इसमें आना, तो इसमें मोटा लगभग आपका 4000 के ऊपर प्रॉफिट, 4000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए इसका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अच्छा खासा कंपनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई वजह नहीं चाहिए, आपको चाहिए अच्छा कंपनी और कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। लोग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट के लिए। तो अगर कंपनी प्रॉफिट
जनरेट कर रहा है, तो उसी कंपनी में आप पैसा अपना फेंक सकते हैं, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए, प्रमोटर के पास 73.35% का होल्डिंग है, FIS के पास लगभग 10% का होल्डिंग है, DIS के पास लगभग 12% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास आलू है। ठीक है, पब्लिक के पास होल्डिंग्स ही नहीं है। पब्लिक चाहे तो अपना होल्डिंग्स इसमें थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक को क्या, पेनी स्टॉक्स के पीछे भागेगा, ट्रेडिंग के पीछे भागेगा, रातों रात करोड़पति होना है उसके पीछे भागेगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना, आपको इन्वेस्टेड रहना है अप टू 20 ईयर्स के लिए, कमाना है, खाना है, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स के लिए करते रहना चाहिए SIP के ज़रिए। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना आप कितना लगाएंगे, 10,000 लगा दीजिए, 5,000 लगा दीजिए, 1,000 लगा दीजिए, 500 लगा दीजिए, जिसको भी जितना भी लगाना है आप लगाते रहिए। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आप 20 ईयर्स तक लगाते रहिए। आप जानते हैं क्या, अगर आप बजाज फाइनेंस में ओनली 1,300 रुपीज़ का लगाए होते तो आज के डेट में वो आपको 34 लाख हो गया होता 20 साल में। ठीक है, तो रिटर्न, इसको बोलता है कंपाउंडिंग रिटर्न, ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत इनकम लेना पड़ेगा अपने लाइफ में, तभी आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। ठीक है ना, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी SIP चल रहा है, आप भी कर लीजिए इन्वेस्टमेंट प्लान, होगा तो होगा, नहीं तो क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो है ये एंजल वन लिमिटेड है, ये 1519 रुपीज़ का शेयर है। एंजल वन लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी एंड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिटरी सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लैंडिंग एज NBFC एंड कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका बिजनेस आप देख सकते हैं, मतलब आप एंजल ब्रोकिंग जो होता है पहले होता था, ये अभी एंजल वन हो गया है, इसमें आप डीमैट अकाउंट खोल के आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल के शेयर खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है आपका 12,662 करोड़ रुपीज़ का है, जिसका अभी का प्राइस चल रहा है 1,519। ये हाई लगाया था 2,022 रुपीज़ और लो लगाया था 990 रुपीज़ का, जिसका स्टॉक पी 600 रुपीज़ चल रहा है। इसका बुक वैल्यू चल रहा है ओनली 226 रुपीज़, तो बुक वैल्यू से लगभग ये 7 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका डिविडेंड देख सकते हैं आप 1.78%, ROCE है 35 जो काफ़ी अच्छा है, और ROE है 46% जो काफ़ी गजब का है, और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रोस है, कंपनी इस एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, ठीक है, इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा करेगा ऐसे आशा करते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 82% का CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, कैसा कंपनी ने रिटर्न दिया है। देखिए कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए ROE काफ़ी अच्छा वर्जन है 36% लास्ट 3 ईयर्स में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पेआउट 31%, और इसका जो प्रोस है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, और डिविडेंड डे हैव इंक्रीज्ड, डिविडेंड डे ये 57 से लेकर 90 डेज हो गया है ये कौन से। तो चलिए इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट है 2020 में ये 114 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2021 में ये 410 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल रहा हूँ मैं ये, और 2022 में 836 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, और ट्रेलिंग 12 मंथ का ये 1,023 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, जिसका ये नेट प्रॉफिट बनता है 764, 625, 297 और 82। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इसका। ठीक है, तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 20 साल के लिए बनाइए ना, इसका भी मार्केट कैप लाखों डेढ़ लाख दो लाख हो जाएगा एक दिन, तब तक आपका पैसा कितना परसेंट में ग्रो होगा थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं। तो होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं अभी। प्रमोटर के पास 43.71% का होल्डिंग है, FIS के पास 11.27% का होल्डिंग है, DIS के पास 9.71% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 35% के ऊपर का होल्डिंग्स है। तो आप भी थोड़ा बहुत होल्डिंग्स बना के चल सकते हैं, 2-3 क्वांटिटी रख लीजिए 20 ईयर्स के लिए। ठीक है ना, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो है लाइफ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज एंगेज इन द केयरिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में यह काम करता है, तो काफ़ी अच्छा कर गया। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जो निफ्टी 50 में भी आता है। तो ये कंपनी हाल ही में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लिस्टिंग हुआ है, तो इसमें से आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 1,14,150 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 531, जिसने 722 का हाई लगाया था और लो लगाया था 970, तो लो के आसपास चल रहा है। स्टॉक पी 86, जिसका बुक वैल्यू है ओनली 57 रुपीज़, तो बुक वैल्यू से लगभग 9 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.32%, ROCE और ROE कम है, और फिर फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो दोस्तों इसके प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19%। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 19% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो प्रोस तो ठीक ठाक है, लेकिन कौनस काफ़ी अच्छा नहीं होगा, इसका कौनस भी होगा। इसका स्टॉक ट्रेडिंग एट 9.25 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। वही बात है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 1.2%। ये तो उतना कौनस नहीं है, फिर भी प्रमोटर ने होल्डिंग्स घटाई है अपना। टैक्स रेट सीम्स लो। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ 632 करोड़ रुपीज़। तो दूसरा अर्निंग भी इसमें जोड़ देते हैं वो लोग, ठीक ना। तो चलिए इसका अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट देख लेते हैं। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट है, 2020 में ये प्रॉफिट जनरेट किया था 1295 करोड़ रुपीज़ का, और 2021 में ये प्रॉफिट जनरेट किया 1360 करोड़ रुपीज़ का, और 2022 में ये प्रॉफिट जनरेट किया 1208 करोड़ रुपीज़ का, और अभी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट चल रहा है इसका 1317 करोड़ रुपीज़ का। तो देखिए ये इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर का काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है इंडिया में, क्योंकि इंश्योरेंस में अभी भी उतना अवेयरनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा अवेयरनेस इंडिया में होगा। हर घर में हर लोगों के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी हो जाएगा, तब ये काफ़ी अच्छा खासा काम करेगा। तो चलिए क्विकली लास्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। तो इसका उससे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास 50.32% का होल्डिंग है, मतलब मालिक रहने के लिए जितना होना चाहिए है, और FS के पास 28.81%। HDFC ग्रुप का कंपनी है, इसलिए FI ने जम के खरीदारी की है। DIC ने भी खरीदारी की है लगभग 7%। पब्लिक के पास 13% और अदर्स के पास 0.03%। तो देखिए अच्छा कंपनी में पब्लिक के पास थोड़ा बहुत कम होल्डिंग्स रहता है, लेकिन FIS और DIC ने जम के खरीदारी इसमें कर रखा है। तो चलिए फटाफट लास्ट स्टॉक्स जान लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट स्टॉक से ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काम करता है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस लिमिटेड स्टार इज इंडियाज फर्स्ट स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया विथ ए मार्केट शेयर ऑफ 15.8% इन द इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन फाइनेंशियल 2021 विथ लीडरशिप इन द अट्रैक्टिव रिटेल हेल्थ सेगमेंट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्टार हेल्थ ये काफ़ी ओल्ड कंपनी है और इंडिया का फर्स्ट कंपनी है जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है। तो चलिए इसका फंडामेंटल छेड़खानी करते हैं। तो दोस्तों इसका जो मार्केट है वो 35,510 करोड़ रुपीज़ का है, जिसका प्राइस चल रहा है 612 रुपीज़ और हाई लगाया था 940 रुपीज़। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये IPO आया है, ठीक है, लिस्टिंग हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी लॉस में चला गया था कोविड के कारण, क्योंकि लोगों को काफ़ी क्लेम देना पड़ रहा था, तब मैं ये लॉस में गया था, तब ये IPO आया है, और इसका लो लगाया था 469 रुपीज़ का, और इसका बुक वैल्यू चल रहा है 113 रुपीज़ का, जिसमें ये लगभग 6 टाइम्स 5 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड नहीं है, ROCE माइनस में है, ROE नेगेटिव में है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। देखिए ये सब में नेगेटिव होने का कारण है क्योंकि ये कंपनी अभी लॉस में क्यों है। तो चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। इसका प्रोस है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गेट गुड ट्रेड क्वार्टर, ठीक है। तो यही दोनों प्रोस है, और इसका कॉन्स है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.41 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 23
3.6% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चल रहा है तो ये क्या करेगा, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा ये कर देगा। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका तो प्रॉफिट अभी माइनस में होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 2020 में ये इसने प्रॉफिट जनरेट किया था 268 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में ये 1000 करोड़ रुपीज़ का लॉस किया था। 2022 में ये फिर 1000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस जनरेट किया था। और इसने ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इसका प्रॉफिट चल रहा है 350 करोड़ रुपीज़ का। मतलब ये लास्ट क्वार्टर में अगर 200 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट भी जनरेट करता है तो इसका मतलब लॉस भी जनरेट करता है तो इसका लॉस लगभग 500 करोड़ या 600 करोड़ के आसपास हो जाएगा, तो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट में आ जाएगा और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा और आप इसमें थोड़ा बहुत क्वान्टिटी लेके एक दो क्वान्टिटी लेके आप सोच सकते हैं। तो चलिए इसके प्रमोटर के होल्डिंग्स देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न का है 58.63% प्रमोटर के पास है, 10% FIIs के पास है, 1% 1.5% के आसपास DIIs के पास है और पब्लिक के पास 29.58% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो दोस्तों देख लीजिए आप जितना भी शेयर मैंने बोला है सबके ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस करके आप थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी लेते रहिए, या कुछ अच्छा स्टॉक्स अच्छा भी ना लगे तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं, या आपको अगर कुछ अच्छा स्टॉक्स लगता है तो उसके ऊपर भी आप एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा राय यही रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करते रहिए और आने वाले टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, जो आपका आने वाला जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा। इतना मल्टीप्लायर अगर 30 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और मंथली आप 1000 करके लगा जाते हैं तो 20 ईयर्स में यह काफ़ी अच्छा रिटर्न हो जाएगा, करोड़ों में आपका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपके आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, आप सब्सक्राइबर के साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, धन्यवाद।